हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बन्ना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ आज एक बहुत ही टेस्टी गजब का नाश्ता, जो झटपट से बनके अक्सर हो जाता है तैयार और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आपका मन कुछ अलग सा खाने का कर रहा हो तो बनाइए आप ये बहुत ही टेस्टी पकौड़े, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, जिन्हें हमने बनाया हुआ है फ्रेंड्स पोहे से, जो बहुत ही टेस्टी और गजब का टेस्ट देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे आलू। तो मैंने आलूओं को बॉईल करके पहले ही रख लिया था, यानी मैं इनकी सब्जी बनाने जा रही थी तो सब लोग कहने लगे कि हम आलू की सब्जी नहीं खाएंगे। तो हमने सोचा चलो कुछ और ही हम इनको बना के खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आलूओं को हमें अच्छे से इस तरह से हाथों से मैश कर लेना है, बिल्कुल एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो इसी तरह से हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक कटोरी पोहा। तो पोहा आप कम या ज्यादा ले सकते हैं, आलू भी आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी पोहा का यूज किया है। अब हम इनको डाल देंगे फ्रेंड्स मिक्सर ग्राइंडर में, और हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम पाउडर सा बना के तैयार कर लेना है। वैसे फ्रेंड्स एक कटोरी पोहा से और 3-4 आलू से बहुत ही ज्यादा ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पोहा तो फूलता ही है। तो देखिए अभी अच्छे से ग्राइंड हो चुका है हमारा पोहा, और हमने एकदम पाउडर सा बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स एकदम ये पाउडर सा बन के हो चुका है तैयार। अगर आप पोहा से नहीं बनाना चाहते इस रेसिपी को, तो आप कच्चे चावल भी ले सकते हैं, उनको थोड़ा सा आप 10-15 मिनट के लिए फुलाने के लिए रख दीजिए और फिर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए पानी डालकर। तो देखिए अभी पोहा हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हमें बॉईल के आलू जो हमने मैश किए थे हमें मिला देना है। फिर हम इनको अच्छे से फ्रेंड्स इस तरह से हमें मिक्स करना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको अच्छे से हाथों से या चम्मच से आप किसी से भी मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप आलू कम भी ले सकते हैं, अगर आप कम आलू यूज करना चाहते हैं तो बस आप 1-2 आलू का यूज कीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप पोहा का थोड़ा सा ज़्यादा यूज कीजिएगा। तो इसी तरह से हम इसमें अब हमने डाल दिया है पानी, क्योंकि पोहा फूलेगा तो हमें थोड़ा पानी और डालने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम इसी तरह से चम्मच से या हाथों से अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी हम फिर से डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना ही पानी का यूज करेंगे। तो इसी तरह से हम चम्मच से इनको अच्छे से फ्रेंड्स मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिए पोहा अच्छे से फूलने लगा है, अब हम इसमें और भी हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इस तरह से इसको हाथों से अच्छे से मैश कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंड्स 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई धनिया लेंगे, और हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के आसपास फ्रेंड जीरा, और बारीक कटा हुआ हमें हरा धनिया लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची से और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसके बाद 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमने ली है हींग, हींग का भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और टेस्ट अनुसार हमने इसमें 1/3 चम्मच नमक डाल दिया है, आप नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है, लेकिन हम इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए हमने सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हमारे जो पोहा था अच्छे से फूल चुका है, हमने पानी भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला हुआ था, तो बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए क्योंकि हमें इसके पकौड़े टाइप में बनाना है। तो फ्रेंड्स ना ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा ये पतला है, एकदम मीडियम सा है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपको ये दिख रहा है, क्योंकि हमें इसके पकौड़े बनाने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अगली प्रोसेस। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया था पहले ही, और एक गरम हो चुका है। तो अब हम इसके पकौड़े टाइप में इस तरह से तोड़ लेंगे, थोड़ा गोल गोल कर लेंगे हाथों से। तो देखिए एक एक करके हमें इसी तरह से फ्रेंड्स डालते जाना है। अब बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा हमें इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, कि बस इसके पकौड़े इस तरह से टूट जाए हाथों से अच्छे से, और हम इनको हाथों से भी बना सकें, इस तरह से हमें रखना है। तो ये बढ़िया क्रिस्पी बनके होते हैं तैयार। अगर हम इसको गीला रख देंगे तो ये थोड़े से
कुछ जैसे बन के तैयार होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इनको हम बढ़िया सा इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया एक क्रिस्पी बन के हुए हैं तैयार, और इनका बढ़िया सा कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़े से फूल भी चुके हैं क्योंकि हमने इसमें आलू बॉइल किया मिलाया हुआ था। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सबको फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतने अच्छे बने थे कि मेरा बेटा बीच बीच में मांग मांग के ले जा रहा था। तो अब जो कुछ बचे हुए हैं हम इनको भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने सभी को फ्राई कर लिया है, तो थोड़े से और बचे हैं इनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा गैस की आंच तेज होनी चाहिए और बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं और झटपट से बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई हमारी रेसिपी तो आप एक बार इस तरह से जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। आप भी खाइएगा, घर में कोई मेहमान आ गए हो तो आप उनको भी बनाकर इस तरह से खिलाइएगा, आपको भी पसंद आएंगे और आपके मेहमान को भी। तो देखिए अभी बन के हमारे तैयार हैं जितने भी हमारे बचे हुए थे। तो अब इनको फ्रेंड्स हम कर लेते हैं सर्व। तो हमने इनको दही की चटनी के साथ सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी एक खाने में लगे थे दही के साथ। तो जब भी बनाइएगा दही की चटनी बनाइएगा, आपको जो भी पसंद हो आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारी रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता तैयार है बनके। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो नई रेसिपी का। थैंक यू बाय।